माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पार्ट नंबर 26। नंबर 24, आप लोग बाहर जाते वक्त अपने पैरों में जो जूते चप्पल्स पहनते हो ना, और दाएं पैर के जूते को आप दाएं पैर में और बाएं पैर के जूते को आप बाएं पैर में, पर पुराने समय के लोग एक ही जूते को दोनों पैरों में पहना करते थे। मतलब तब के समय में राइट लेफ्ट जैसी कोई चीज ही मौजूद नहीं थी, और प्राचीन रोम के लोगों ने दुनिया को लेफ्ट राइट के बारे में बताया, और तब से दाएं पैर के जूते दाएं पैर में और बाएं पैर के जूते बाएं पैर में पहनने की प्रथा शुरू हुई। नंबर 23, आप लोग इंडियन जासूस रॉ एजेंसी को तो जानती होंगे, तो ये जो जासूसों का ग्रुप होता है इसमें तो आपको पता है कि वो लोग कितना सीक्रेटली काम करते रहते हैं। तो जब कभी किसी रॉ एजेंट की मौत हो जाती है तब उस रॉ जासूस के राज उसके जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाते हैं, और एक रॉ एजेंट की वाइफ को भी इस बात का पता नहीं होता है कि उसका पति एक रॉ एजेंट था। नंबर 22, बॉलीवुड के किंग खान के नाम से जाने वाले शाहरुख खान आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में आते हैं, पर क्या आपको पता है शाहरुख खान के अपने करियर की पहली कमाई सिर्फ 50 रुपए थी, जो उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कंसर्ट में गाइड बनने पर मिली थी, और शाहरुख ने अपनी इस पहली कमाई का इस्तेमाल आगरा जाकर ताजमहल देखने में किया था। नंबर 21, मानव इतिहास के अब तक के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर बचपन में एक प्रीस्ट बनना चाहते थे, और हिटलर के बारे में सबसे बड़ी बात आज भी सबको हैरान करती है कि जिस इंसान से पूरी दुनिया खौफ खाती थी उसे बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता था। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉन सेना को मकड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, अजीब बात है ना। नंबर 20, जिस लड़की का इमेज आप पार्ले जी बिस्किट्स पर देखते हो ना बचपन से, तो वो लड़की का इमेज एक क्रिएटिव इमेज है, यानी वो लड़की की तस्वीर एक कंप्यूटर एनिमेटेड इमेज है, असल में वो लड़की असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आज तक के सभी लोग नीरू देशपांडे को पार्ले जी गर्ल के नाम से मानते आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये पार्ले जी वाली लड़की असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नंबर 19, अगर आप किसी सुबह उठे और आपको ऐसा फील आ रहा हो कि आज रात आपकी नींद सही से नहीं हो पाई, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने दिमाग को बार बार बोलोगे कि आपने आज बहुत अच्छी नींद ली है, बहुत अच्छी नींद ली है, बार बार इस सेंटेंस को आप बोलोगे, तो थोड़ी देर बाद ही आपको आपका दिमाग आपके बोले हुए झूठ को भी सच मानने लग जाएगा। आपको तो पता ही होगा आपका दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड हर चीज पर सवाल लगाता है, यानी वो चीजों को बहुत ज्यादा लॉजिकली लेता है, और अपने मन में किसी बात को आप बार बार बोलते रहोगे तो वो बात आपका कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड में भेज देता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने आज अच्छी नींद नहीं ली है, तब उस वक्त आपको अपने दिमाग से झूठ बोलने की जरूरत होती है, और थोड़ी देर बाद आपका दिमाग उस झूठ को भी सच मानने लग जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, इसे ट्राई जरूर करना आप। नंबर 18, मान लो आपकी कोई चीज आपके कमरे में खो गई है, तब उस चीज को जल्दी से जल्दी खोजने का सबसे आसान तरीका है कि उस चीज को सीधे हाथ की तरफ से खोजने की शुरुआत करना। ऐसा करने से आपसे खोई हुई चीज आपको और भी जल्दी मिलने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। या इट्स ट्रू फैक्ट। नंबर 17, मार्शल आर्ट्स के बादशाह ब्रूस ली को तो आप जानती होंगे, और बहुत सारे लोग ब्रूस ली के फैन है, पर क्या आपको पता है ब्रूस ली भी किसी के फैन हुआ करते थे? जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। ब्रूस ली गामा पहलवान के बहुत बड़े फैन थे, और गामा पहलवान दुनिया के एकलौते ऐसे पहलवान थे जिन्हें कोई भी पहलवान कभी हरा नहीं पाया था। नंबर 16, एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जो लोग किसी को धोखा देते हैं तो उन लोगों का आईक्यू लेवल यानी उनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट बहुत कम लेवल का होता है। नंबर 15, आपका दिमाग दिन भर में जितना प्रोसेस करता है तो उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से वो रात में भी सोते समय काम करता रहता है। और एक फैक्ट ये भी है कि आपका दिमाग ही आपके शरीर में एक ऐसा अंग है जो सबसे ज्यादा एनर्जी को यूज करता है, और उसमें इतनी भी एनर्जी होती है कि वो एक लाइट बल्ब को भी जला सकता है। नंबर 14, ये काफी इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो ये कहता है कि अगर आपके अंदर किसी को माफ कर देने की आदत है तो ये आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदे की चीज होती है। नंबर 13, आजकल हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है, रिचार्ज ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, जॉब ऑनलाइन, डेटिंग ऑनलाइन, शादी ऑनलाइन, बाराती ऑनलाइन। नहीं नहीं, बाराती अभी तक नहीं हुए, उस फीचर को आने में अभी थोड़ा सा वक्त है ना। तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होने के चलते इंटरनेट हर दिन कई गुना ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, और इसी कारण के चलते इंटरनेट पर हर एक सेकंड 27,000 GB तक का नया ट्रैफिक आ रहा है। नंबर 12, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में नारियल के पेड़ों से नारियल को तोड़ने के लिए बंदरों को ट्रेनिंग दी जाती है। ओह माय गॉड, अच्छा तरीका है नारियल तोड़ने का। नंबर 11, एक सर्वे के हिसाब से जिन लोगों में आत्मविश्वास यानी सेल्फ
सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तो उनमें अक्सर पाया गया कि वो दूसरों की कमियां निकाला करते हैं। नंबर 10, अल्बानिया एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर अगर आप सर हिलाकर हाँ कहते हैं तो उसका मतलब ना होगा, और अगर ना कहते हैं तो उसका मतलब हाँ होगा। व्हाट, मान लो अगर आपको पबजी खेलना है तो ना कहना होगा, और अगर स्कूल नहीं जाना है तो हाँ कहना होगा। काश ऐसा इंडिया में हो जाए, सच में कितना मजा आ जाएगा, है ना। नंबर 9, मान लो आप किसी पार्क में बैठे हो और पीछे से आपको कोई घूर रहा है तो आपका दिमाग उस इंसान को देखे बिना ही आपको ये मैसेज दे देता है कि आपको कोई पीछे से घूर रहा है। और अगर आप आंखें बंद करके घर में सोए भी होंगे ना, तब भी उस वक्त आपको आपका दिमाग बता देगा कि कोई आपको घूर रहा है। ये फैक्ट सुनने में कितना जादू जैसा लगता है ना, पर इस फेनोमेनन को आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। नंबर 8, समुद्र में जो जेलीफिश होती है तो वो जेलीफिश को तूफान आने के 10 से 15 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि कोई बहुत बड़ी सुनामी आपदा आने वाली है, और ऐसे वक्त में वो जेलीफिश जिस जगह होती है तो उस जगह का किनारा छोड़कर 10 से 15 घंटे पहले वो गहरे समुद्र में नीचे की तरफ चली जाती है। नंबर 7, आज तक का दुनिया का सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस का नाम जानते हो क्या है? आई लव यू। जी हाँ, आई लव यू ये आज तक का दुनिया का सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस का नाम है। अब इस फैक्ट के बारे में मैं आपको क्या रिएक्शन दूँ, छोड़ो। नंबर 6, सन यानी सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है उसे इस फैक्ट से समझो। अगर एक दिन भी सूरज की किरणें धरती पर ना पहुँचे तो कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी धरती पर बर्फ जमना शुरू हो जाएंगी। नंबर 5, खाली पेट पानी पीने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट 24% तक बढ़ जाता है, और आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने से आपका पेट खाने को और भी जल्दी हजम करने लायक बन जाएगा। और जो लोग ओवरवेट यानी मोटे होते हैं तो उनको उनका वजन कम करने में भी आसानी होगी। और इसके अलावा आपके चेहरे पर पिंपल्स, रिंकल जैसी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ये उसे भी ठीक कर देगा। और खाली पेट से मतलब है सुबह का वक्त, जब आप तुरंत नींद से उठते हो और टूथब्रश करने से पहले। नंबर 4, एक स्टूडेंट सर्वे के हिसाब से 73% कॉलेज स्टूडेंट्स क्लास में नींद की समस्या से जूझते हैं। एकदम सही बात है स्टूडेंट्स, है ना। चलो इस फैक्ट पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, बस एक प्यारा सा लाइक कर दो बस। नंबर 3, इस पूरी दुनिया में 0.05 सेकंड्स में करीब 97 चिकन यानी मुर्गियों को मार दिया जाता है। नंबर 2, एटीएम मशीन को जॉन शेफर्ड बैरन ने बनाया था। साल 1965 में एक दिन बैरन पैसे निकालने बैंक में गए थे और वो बस एक मिनट लेट बैंक पहुंचे थे और बैंक बंद हो गई थी। तो इसके बाद उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम तो सबको हो रही है, और तभी उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे में जब चाहे तब पैसे निकाले जा सके बैंक से। और इस आइडिया के बाद उन्होंने एटीएम मशीन को इन्वेंट कर डाला जिसे आज हर कोई यूज करता है। नंबर 1, पानी पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पानी पूरी को हम लोग अक्सर हिंदी में गोलगप्पा या फिर पानी पूरी के नाम से ही जानते हैं, पर पानी पूरी का इंग्लिश नाम क्या है ये तो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया ना। तो पानी पूरी को इंग्लिश में वाटर बॉल्स कहते हैं। वाटर बॉल्स, याद कर लो पानी पूरी का इंग्लिश नाम। और क्या आपको पानी पूरी पसंद है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे जानना है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना, और इस क्यूरियस फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।